पे निगाह डाली तो अब लगता है कि कहीं से भी कोई कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं थी, कहीं से भी कोई असमंजस की स्थिति नहीं थी इन राज्यों में। और बिल्कुल सुबह से आप अगर हम जब से आप बैलेट पेपर खुले हैं या फिर ईवीएम खुली है 8 बजे से लेकर, लगातार बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़त में है। तो ये जो मोदी मैजिक और अमित शाह का जो एकदम मैनेजमेंट है, चुनावी मैनेजमेंट, जो चुनावी जो जिस चुनाव को जो जो सिलसिलेवार और सीट वाइज वो जो चुनावी रणनीति करते हैं, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल एक बहुत बेहतरीन जब रिजल्ट आता है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये दोनों का क्रेडिट। और एक तीसरे जो हमारे योगी आदित्यनाथ, जो इनका एक अपना एक मॉडल जो पूरे देश में अपनाया जा रहा है, सारे देश के मुख्यमंत्री अपना रहे हैं, तो ये जब दो के साथ एक जब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जब पहुँच जाते हैं, जहाँ जैसा आपने बताया कि भी जिन-जिन सीटों पे वो गए, जिन-जिन सीटों पे उन्होंने प्रचार किया, जिन-जिन सीटों पे उन्होंने कहा कि आइए राम मंदिर में दर्शन करने, तो वो अभी तो दर्शन करने के लिए बुलावा आ रहा है। जिस दिन जब भव्य राम मंदिर के दर्शन शुरू हो जाएंगे, उस दिन वो स्थिति मुझे लगता है कि और बेहतरीन होगी। मैं आपको रोक रहा हूं, छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर है। यहां पर एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है, बीजेपी से कांग्रेस यहां पर आगे निकल गई है। कुछ ही सीटों का अंतर है, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से 45 पर पहुंच गई और बीजेपी 43 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। अभी तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी बड़ी बढ़त की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन यहां पर पिक्चर बहुत तेजी से बदली है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से यहां पर आगे निकल गई है, बीजेपी 43 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 45 सीट पर आगे चल रही है, और 2 सीट पर यहां पर आदर्श आगे चल रहे हैं। दीपक रंजन जी, एक बार मैं आपके पास आऊंगा। अभी जिस दिन हम लोग एग्जिट पोल कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, वो बार बार कह रहे थे कि बीजेपी वाले क्यों नहीं कह रहे हैं कि सत्ता का सेमीफाइनल है। अभिरुद्ध विक्रम जी ये कह रहे हैं कि क्या ये तस्वीर देखने के बाद आप ये मानेंगे और अभी भी आप अपनी बात पर कायम है कि सत्ता का सेमीफाइनल ही है 2024 के मुकाबले? देखिए अमित, अभी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है बहुत सारी बातें बता रहे थे, थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहिए। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में उधर सरकार बनाई थी तो बड़े प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। उसके बाद 2014 में जब प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में आई भारतीय जनता पार्टी की, तब राज्यों में केंद्र में मिला करके इनकी डबल इंजन की सरकार 4 साल चली, और 2018 में परिणाम क्या रहे? तो देखिए इसका बहुत ज्यादा, देखिए दो जहां जहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी रही है वहां पर निश्चित रूप से जो है वहां पर सिटिंग एमएलए को या सरकार को वहां पर खामियाजा जिस तरीके से रुझान आ रहा है, खामियाजा भुगतते हुए देखना पड़ रहा है। उसी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होने जा रही है, क्योंकि केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने पिछले 10 साल में जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, सिर्फ झूठ फरेब और छलावा करने का काम किया है। तो जनता इनको 2024 में मन बना चुकी है इनको हटाने के लिए। जिस तरीके से अगर एंटी इनकम्बेंसी वहां रही और जिस तरीके से लोक लुभावने वादे इन्होंने किए, तो मैं समझता हूं अगर इनकी सरकार बनती है, अगर ये रुझान परिणाम में भी परिवर्तित होते हैं, तो मैं तो बार बार कहना चाहता हूं जो उन्होंने संकल्प पत्र में जो वादे किए जनता से, उन वादों पे अविलंब इनको उन वादों को पूरा करना चाहिए और वो जनता की सरकार होनी चाहिए। और रहा सवाल देखिए अमित समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी सदैव सड़क से लेकर के सदन तक जनता की आवाज उठाती रही है। जो भी जनता का फैसला आएगा, जो भी जनता का मैंडेट होगा, समाजवादी पार्टी जहां पर भी चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, जो भी परिणाम आएंगे, समाजवादी पार्टी का विस्तार निश्चित रूप से उन प्रदेशों में होगा और समाजवादी पार्टी और मजबूती के साथ जनता के बीच में रहेगी और जनता की आवाज उठाती रहेगी। जी अमित जी, ठीक है, मैं फिर से एक बार आप सबके पास आऊंगा, लेकिन अभी तक की जो बड़ी पिक्चर है वो एक बार फिर से दर्शकों के सामने रख देते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे पहुंच गई, 150 सीट तक बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। राजस्थान में बीजेपी लगातार 105 सीट से आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे। इस वक्त की स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी 46 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 42 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना की बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी यहां पर 68 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआत से कांग्रेस तेलंगाना में बढ़त बनाए हुए है, बीआरएस वहां उससे पीछे है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी बात और राहत वाली बात है मध्य प्रदेश और राजस्थान से, जहां पर बीजेपी इस वक्त बहुमत के आंकड़े से आगे चल रही है रुझानों में। हालांकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जरूर पहले बीजेपी आगे रही, उसके बाद में एक बार फिर से कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावे और वादे किए जा रहे थे कि परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन होता हुआ यहाँ पर मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है। और उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो जिस तरह से रिवाज पहले भी कायम रहा और अगर जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसको देखकर लगता है कि जो पुराना रिवाज था वही एक बार आगे भी रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं, राकेश सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, वो आगे चल रहे हैं जबलपुर पश्चिम से। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं उन सीटों की अगर बात कर ली जाए तो वो सभी अभी फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं।
खटीक हरिशंकर जो कि जतारा से है मध्य प्रदेश की ये सीट, ये भी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर नरसिंहपुर की बात कर ली जाए तो प्रहलाद सिंह पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता, वो भी बढ़त बनाए हुए हैं, तो बीजेपी के लिए काफी राहत भरी खबर इसे कह सकते हैं। इसके अलावा सतना की बात कर ले तो बीजेपी का गढ़ भी इसे कहा जाता है, यहाँ पर भी बीजेपी के कैंडिडेट आगे है। सीधी की बात करें तो रीति पाठक, वो भी बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर बाकी वीआईपी सीटों की बात कर ली जाए, अगर कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ फिलहाल जो उनकी सीट है उस पर आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा दिमनी की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर ये यहां से आगे हैं और बीजेपी को यहां से भी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये मध्य प्रदेश के हम आपको वीआईपी सीटों के नाम और साथ ही जो कैंडिडेट उतरे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि कहां से कौन आगे चल रहा है। ग्वालियर की बात कर ली जाए तो यहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन यहां पर सिंधिया का इसे गढ़ भी कहा जाता है, तो अब जिस तरह से ये परिवर्तन यहां पर हुआ है उसको भी जनता स्वीकारती हुई यहां पर नजर आ रही है। और साथ ही नरसिंहपुर की बात कर ले जाए तो यहां पर प्रहलाद सिंह पटेल जो कि बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता, वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। तो बीजेपी ने दिल्ली से जितने भी बड़े चेहरों को भेजे हैं वो सारे चेहरे इस वक्त आगे चल रहे हैं, अभी तक का सार है। कहा जा रहा था कि बीजेपी मध्य प्रदेश में कमजोर है, इस वजह से दिल्ली से चेहरे भेजे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी बार बार ये कहती रही कि ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। जी, आप देखिएगा कि जब परिणाम आएगा तो हमारी रणनीति कारगर साबित होगी, और वही फिलहाल यहां पर दिखाई देता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी के सभी वो चेहरे जिनको दिल्ली से चुनाव मैनेजमेंट के लिए भेजा गया था, चुनावी मैदान में उतारा गया था, न सिर्फ उन्होंने अपनी अपनी सीट पर बढ़त बनाए रखी है बल्कि अपनी सीट के आसपास की जो सीट्स हैं उस पर भी उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है। और यही कारण है कि बीजेपी 151 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है। एकाध एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी एग्जिट पोल यहां पर यह स्थिति नहीं दिखा रहा था कि बीजेपी 150 का आंकड़ा छू लेगी, लेकिन यहां आप देखिए 151 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो ये इस बात को साबित करता है कि कमलनाथ जो कि पूरी तरीके से आत्मविश्वास में थे, वो दरअसल उनका आत्मविश्वास नहीं था, अति आत्मविश्वास था, उनको लग रहा था कि बाजी पलट देंगे, शिवराज सिंह चौहान से इस बार वो सत्ता छीन लेंगे, क्योंकि 2018 में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, कमलनाथ को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2020 में जब वहां तस्वीर बदली और ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ आ गए, शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, उसके बावजूद कमलनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश छोड़ा नहीं था, वो दिल्ली लौट कर नहीं आए, लगातार वहीं पर डटे रहे, वहीं पर बने रहे, और उनका यह कहना था कि 2023 में जब चुनाव होगा तो उनकी यहां जो मौजूदगी है उसका असर देखने को मिलेगा। शायद ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, चाहे वो समाजवादी पार्टी को किनारे करना हो, अखिलेश यादव पर उनकी विवादित टिप्पणी रही हो, ये सब कुछ बता रहा है कि शायद उनके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चूक रह गई है। राजस्थान की बात करें तो वहां जैसी परंपरा रही है वही एक बार फिर से होता हुआ दिख रहा है। 5 साल बाद यहां पर सत्ता बदलती हुई नजर आ रही है, गहलोत की सत्ता जा सकती है और बीजेपी यहां पर सत्ता में आ सकती है, मतलब ये कि राजस्थान में भी कमल खिल रहा है। और देखिए राजस्थान के आंकड़े हम आपको बता दें कि राजस्थान में भी बीजेपी काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। दिया कुमारी की बात कर ले जाए तो ये विद्याधर नगर से जो कि बढ़त में है, ये बीजेपी की सीट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ताराचंद जैन की तो उदयपुर से ये भी बढ़त बनाए हुए, तो यहाँ पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं आगे अभी तक बनी हुई है और साथ ही कांग्रेस यहाँ पर भी पीछे है। ये देखिए महंत बालकनाथ जो कि इन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है, ये भी बढ़त बनाए हुए हैं और इनको मुख्यमंत्री का फेस के तौर पर भी देखा जा रहा था, हालांकि बाद में पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी बार बार गए इनके प्रचार करने के लिए और जब इनका प्रचार कर रहे थे तो वो मंच से वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आइए आप सभी लोग, आपका स्वागत है, अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप सब लोग वहां आइए और दर्शन करिए। महंत बालकनाथ नाथ संप्रदाय से ही आते हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इनके लिए चुनाव प्रचार करना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। अलबत्ता उनकी मांग हर जगह, जहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व से डिमांड करते हैं कि आप योगी आदित्यनाथ को उनके प्रचार करने के लिए भेजिए, और यहां पर महंत बालकनाथ के लिए वो बार बार प्रचार करते हुए अलग अलग जगहों पर नजर आए। तो देखिए उत्तर प्रदेश का मॉडल एक तरह से राजस्थान की जनता के सामने रखा गया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती तो कुछ वैसा ही विकास होगा, और इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर गए। लेकिन अब जो बढ़त आप देख रहे हैं उसको देखकर लगता है अमित कि जनता के सामने जो यूपी का मॉडल रखा गया था वो यूपी का मॉडल कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है, और जनता की जो उम्मीद है कि अब अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो कुछ वैसे ही कानून व्यवस्था हम राजस्थान में भी देखेंगे, क्योंकि अगर बलात्कार की बात कर ले, कानून की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं सवाल हमेशा से राजस्थान पर उठते रहे। सही बात है,
और यही कारण है कि हर मंच से यूपी मॉडल का जिक्र किया गया, चाहे यहाँ पर माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की गई हो उसकी बात हो, या फिर बुलडोजर एक्शन की बात हो, या फिर अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात हो, अलग अलग मंचों से उसका जिक्र किया गया। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए अब तक की कहानी हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 का आंकड़ा पार कर गई है जी, यहाँ पर 152 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मतलब यह है कि कांग्रेस अब बहुत पीछे छूट गई है, फासला बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि 10 बजे से ज्यादा का समय हो गया है, कोई शुरुआती रुझान नहीं है। ये 10 बजे तक की तस्वीर है जिसमें कांग्रेस पार्टी बीजेपी से बहुत पीछे छूट रही है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर ले जाए तो शुरुआत में ये कहा गया कि यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी। पिछली बार की अगर बात कर ले तो कांग्रेस को यहाँ से बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार जिस तरह के दावे किए गए थे अमित, कि यहाँ पर परिवर्तन का समय आ गया है, वक्त है अब बदलाव का, ये नारा था जो कमलनाथ की तरफ से पहले दिया गया, एक साल का जो बदलाव जनता ने देखा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मामा की वापसी हुई और देखकर लगता है कि जो योजनाएं शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लगातार चलाई जा रही थी, हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई, वो उसका जादू दिखा। अब बात राजस्थान के ऊंट को भी देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये बीजेपी का ऊंट बहुत आगे चला गया जी, 102 सीटों के साथ बीजेपी का ऊंट इस वक्त यहां पर आगे चल रहा है और कांग्रेस पार्टी 82 सीटों पर आगे चल रही है। मतलब ये कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि रिवाज बदलेगा, जो हर बार 5 साल में सरकार बदल जाती थी यहां पर, ऐसा इस बार होगा नहीं, गहलोत जी अपनी सरकार बचा ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो ऊंटों की स्थिति है वो बता रही है कि ऐसा हो नहीं रहा है। यहां पर बीजेपी 102 सीट पर आगे चल रही है, कोई सीएम फेस नहीं था बीजेपी की तरफ से यहां पर, वसुंधरा राजे सिंधिया को कहा गया बार बार, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनको पीछे रख रखा है, इनके पास कोई चेहरा नहीं आगे करने के लिए, लेकिन बीजेपी ने कहा कि हम जीतने के बाद तय करेंगे, हमारे विधायक तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा, और आप देखिए यहां पर बीजेपी फिलहाल आगे बढ़ रही है। अब देखिए बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, यहाँ पर कांटे की टक्कर की बात शुरुआत से कही जा रही थी, लेकिन अभी जो अभी आंकड़ा आप देख रहे हैं बीजेपी 43 पर है, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो ये 46 पर, और साथ ही अदर के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि अभी यहां से कांग्रेस पार्टी आगे है, लेकिन फिर भी अमित यहां पर फर्क बहुत ज्यादा नहीं। जिस तरह से भूपेश बघेल को लोगों ने पसंद किया, उनकी योजनाएं हर एक वर्ग को साधने की कोशिश उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन ये आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा है। मतलब 5 साल versus 5 से 6 महीने, और उस वक्त इस तरह का जादू चला कि ये देखिए आंकड़ा कुछ खास फर्क नहीं है। ये जो ग्राफिक्स है अमन, पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ये दरअसल किला है ये छत्तीसगढ़, चूंकि वहां पर कई सारे किले हैं, और ये किला जो इस वक्त है ये कांग्रेस का किला है जिसे बीजेपी ने भेद दिया है। ये देखिए आप, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल एक बार फिर से 46 सीटों पर आगे चली गई है, बीजेपी 43 पे आ गई है, लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि इस किले को बीजेपी ने भेदा है, 2018 में बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई थी, 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह सत्ता से बेदखल हुए, बीजेपी चली आई थी 15 पर, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी 65 पे पहुंच गई थी। इस बार अगर कांग्रेस पार्टी अभी 46 पर ही है तो इसे कांग्रेस के लिए नुकसान और बीजेपी के लिए फायदे के तौर पर देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तेलंगाना की तरफ, तेलंगाना का इस वक्त माहौल क्या कह रहा है वो आप देखिए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस वक्त नौकायन कर रही है, आगे बढ़ रही है, वो तैर रही है कह सकते हैं, और बीआरएस यहां पर पीछे छूट रही है, वो बीआरएस अमनदीप जो कि 2014 में जब तेलंगाना का गठन होता है और वो सत्ता में आती है उसके बाद 2018 में प्रचंड जीत दर्ज करती है, वो बीआरएस यहां पर पीछे छूट रही है। मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी का यहां पर मैनेजमेंट जो दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक देखने को मिला, वो उसका असर शायद हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी लीड ले रही है। और यहाँ पर परिवर्तन तो जनता ने स्वीकार नहीं किया, इसके अलावा राहुल गांधी की अगर हम बात कर ले तो वो साउथ की तरफ काफी ज्यादा यात्राएं करने भी गए, तो वो दौरों का असर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे बड़े जो राज्य थे वो छत्तीसगढ़ रहे, मध्य प्रदेश और राजस्थान रहे, वहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन वहां पर जिस तरह से क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है, एक बार फिर से हम आपको राजस्थान का, और ये देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, ये जस्ट की तस्वीरें हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर से, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कहते हैं कि 10 बजे तक का जो रुझान सामने आता है उसी आधार पर रिजल्ट होता है, तो जिस तरह से बीजेपी लगातार राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, ऐसे में जश्न का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बीजेपी दफ्तर के बाहर के दिखा रहे हैं, जहां पर खुशियां, देखिए खुशियां मनाना शुरू कर चुके हैं यहां पर समर्थक, कांटे की टक्कर जरूर थी लेकिन अब ये कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जीत बीजेपी की ही होगी। ये ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और ये जश्न बनता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को मध्य प्रदेश में खारिज किया गया था और राजस्थान में कांग्रेस कही रही थी कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं, उसके बाद अगर बीजेपी इन दो राज्यों में बड़ी बढ़त की तरफ आगे बढ़ रही है तो जश्न बहुत स्वाभाविक है, और इसीलिए लड्डू भी खिला रहे हैं एक दूसरे को। रिएक्शन क्या आ रहा है वो सुन लेते हैं एक बार। ऐसा है जो काम करता है, और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करा है
और विकास के लिए जो हमारे कैलाश जी ने जो इंदौर मालवा अंचल में और पूरे देश में घूम घूम के प्रचार कराए हैं और उसके कारण भारतीय जनता